खबर 365 न्यूज, आपकी खबर आप तक 365 दिन आपके साथ। होली को लेकर झाझा थाना में शांति समिति की बैठक। जमुई के झाझा थाना में होली और शबे बारात को लेकर थाना में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता झाझा डीएसपी रविशंकर प्रसाद ने किया। आयोजित शांति समिति की बैठक में शांति समिति के सदस्यों के अलावा झाझा प्रखंड के वीडियो दीपक कुमार, झाझा थाना प्रभारी राजेश चारण के अलावे झाझा क्षेत्र के समाज सेवी जन प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया, जिसमें अपने अपने क्षेत्र के बारे में अवगत कराया और क्षेत्र में शांति से होली और शबे बारात मनाने को लेकर जनता से अपील किया। वहीं झाझा थाना प्रभारी ने बताया कि झाझा क्षेत्र में हर जगह पेट्रोलिंग ज्यादा होगी। होली के दिन उन्हें बताया कि क्षेत्र में जो भी हुड़दंगी करने वाले को तुरंत सूचना दे, ताकि उस पर जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई की जा सके। डीजे का प्रयोग किसी भी हाल में नहीं होगा, अगर होती है तो उस डीजे वाले पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खबर 365 न्यूज के लिए बिहार जमुई से संजीत वर्णवाल की रिपोर्ट। होली और शबे बारात का सभी को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस होली और शबे बारात को लेकर झाझा थाना में शांति समिति का एक बैठक की गई। इसमें सभी के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि हर लेवल से इस पर्व को हम लोग शांति से मनाएंगे। सभी के द्वारा आश्वासन दिया गया, हमारे तरफ से भी इनको आश्वासन दिया गया कि हम लोग जहाँ तक हो हर स्तर पर हम लोग अपना सुरक्षा देंगे। सर, शराब पीकर बहुत लोग हुड़दंग करते हैं, तो ऐसे में आम लोग मतलब किस तरह से प्रशासन को सूचना दे सकते हैं? शराब कंप्लीट बंद है, शराब पीने को किसी को छूट नहीं है। और शराब पीकर अगर कोई भी हुड़दंग करता है तो वो किसी भी स्तर पर बख्शा नहीं जाएगा। डीजे लेकर क्या है? डीजे कंप्लीट बंद है, उस पर पूरा प्रतिबंध लगाया गया है। डीजे कहीं नहीं चलने दिया जाएगा। अगर डीजे का इस्तेमाल कोई करता है तो उस पर माकूल कार्रवाई की जाएगी। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज़, साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।